हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वाद सुगंध का राजा क्रिस्पी चना दाल मसाला। फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, तो बहुत सारी तली हुई चने की दाल, उसके साथ में बारीक प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, ये सब हमें देखकर ही बहुत आकर्षित करता है और इसकी खुशबू भी हमें बहुत अट्रैक्ट करती है और हमें भी बहुत खाने की इच्छा होती है। पर यही दाल हम घर पे एकदम हाइजीनिक तरीके से बनाकर खाएं तो कितना मजा आएगा। मैंने कई बार ये शिकायत सबसे सुनी है कि हम दाल तलते हैं पर वो बहुत कड़क हो जाती है और सही ढंग से एकदम क्रिस्पी नहीं बनती है। तो मैं आज आपको एकदम क्रिस्पी दाल कैसे तली जाती है उसके बारे में बताऊंगी और उसकी छोटी छोटी टिप्स भी आपको आपके साथ में आज शेयर करूंगी। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। फ्रेंड्स, चने की दाल मैंने एक कप चने की दाल ली है और इसको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए अच्छी तरह धोकर पानी में भिगो के रखा है। चने की दाल तलने के बाद उसके ऊपर मसाला करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, सादा नमक। इसके अलावा हम बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्ची और बारीक कटा टमाटर, नींबू के साथ भी इसको असेंबल करके हम सर्व कर सकते हैं। अब मैंने चने की दाल को तलने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया 6-7 घंटे अच्छी तरह मैंने भिगो ली है चने की दाल पानी में, धो कर ली है। अब मैं इसका सारा पानी ड्रेन कर देती हूँ। ये इस तरह से सारा पानी मैंने चने की दाल का निकाल लिया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब हमने ना तो इसमें सोडा डाला है, न ही मैं इसको कपड़े पर सुखाऊंगी। सिर्फ हमें ऐसा पूरा पानी निकाल देना है जिससे कि हम तेल में तलेंगे तो हमारे ऊपर कोई छींटे या तेल ना उड़े। अब ये पानी निकल गया है, अब हम इस दाल को डायरेक्ट गर्म तेल में हमें तलना है। सिर्फ इतनी सी प्रोसेस है इसकी। तेल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, अब हम इस तरह से दाल लेंगे और डायरेक्ट तेल में डाल देंगे। थोड़ा सा दूर रहकर हमें इस तरह दाल डालनी है जिससे कि हमारे ऊपर बिल्कुल भी छींटे नहीं आए। और शुरू में गैस हमें तेज रखना है और उसके बाद हमें थोड़ा सा गैस को स्लो कर देंगे और दाल को होने देंगे। मेरा ऐसा मानना है और मेरे ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि यदि हम दाल को थोड़ा सूखा देते हैं टॉवेल पर तो वो थोड़ी हार्ड हो जाती तलने के बाद। और इस तरह से हम डायरेक्ट मॉइस्चर वाली दाल इसमें डालते हैं, पानी वाली भीगी दाल, तो जब ये तेल में ये अच्छी तरह क्रिस्प होती है तो ये ज़्यादा खस्ता बनती है। इसलिए मैं अक्सर ऐसे ही दाल को तलती हूँ और आप भी जरूर करके देखिए। ये दाल हमारी एकदम पूरी ऊपर आ गई है, अच्छी तरह तल गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पिंक या रेड कलर की करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ये नेचुरल कलर ही बहुत अच्छा आता है। पूरी दाल ऐसे एकदम ऊपर आ जाती है तली हुई। अच्छी तरह से हमने सारा तेल निकाल लिया है इसका। अब ये दाल अच्छी तरह तली गई है, एकदम क्रिस्पी बढ़िया दाल तल ली है। अब हम और आगे की और दाल तलेंगे। फिर से मैंने गैस थोड़ा बड़ा कर दिया है और ये बाकी की दाल भी हम इसमें तल लेंगे। अब ये दाल भी हमारी तल कर ऊपर आने लग गई है। अब मैंने थोड़ा सा गैस थोड़ा सा बीच में धीमा कर दिया है। जब शुरू में हम दाल डालते हैं एकदम गीली तो गैस हमारा तेज होना चाहिए, उसके बाद 1-8 मिनट के बाद हम गैस को धीमा कर देंगे और इस तरह से दाल सारी ऊपर आ जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। अब ये दाल भी हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, दाल को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए छोटी सी 2 टिप्स सिर्फ यही है कि हमारा तेल एकदम अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। जब हम दाल उसमें डालते हैं गीली दाल, तो उसमें तेल का टेम्परेचर एकदम अच्छा तेज होना चाहिए, अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। जरा भी तेल ठंडा होगा तो हमारी दाल कड़क हो जाएगी। और दूसरा यह है कि बहुत ज्यादा 12 से 15 घंटे यदि हम इसको भिगो देते हैं
तो भी ये दाल हमारी कड़क हो सकती है, इसलिए हम कम से कम 6-7 घंटे इसको भिगोया है और फिर हमने इसको जिस तरह से तला है बिल्कुल आप वैसे ही बनाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी ये चना दाल मसाला एकदम क्रिस्पी बनेगी। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इस पर मसाला कर देते हैं। अब हम दाल के ऊपर थोड़ी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे हम इसके ऊपर, थोड़ा सादा नमक और काला नमक। काला नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सादा नमक कम लिया है मैंने, काला नमक थोड़ा ज्यादा, और सबको मिक्स कर देते हैं। आपको इसकी आवाज आ रही होगी, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी दाल हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारी क्रिस्पी चना दाल मसाला सर्व करके रेडी है। आपको ये मेरी क्रिस्पी चना दाल मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।